दोस्तों 11 मई 1998 ये भारत के इतिहास का वो दिन था जिसने विश्व के सामने भारत की शक्ति प्रदर्शित की थी, जिसकी कल्पना शायद पूरी दुनिया को नहीं थी। बड़े बड़े देशों के लगातार धमकी मिलने के बाद भी भारत उनके नाक के नीचे ऐसा काम करके दिखा चुका था कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। 11 मई को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के जरिए भारत के परमाणु परीक्षण के जरिए दुनिया को चौंका दिया था। इसके दो दिन बाद यानी 13 मई को भारत ने दो और परमाणु परीक्षण किए, वो भी तब जब उसने खुद ये दिखाया और बताया। भारत की इस शक्ति को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भारत को 5 परमाणु परीक्षणों की भनक तक नहीं लग पाई। इसके साथ ही भारत ने यह कारनामा तब दिखाया जब यहां सबसे बड़ा सियासी उथल पुथल का दौर जारी था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने कामकाज संभाला ही था। ऐसे में 11 और 13 मई को भारत का ये कारनामा सच में काफी चौंका देने वाला था। इसे देखकर विश्व की महाशक्तियां दंग रह गई थी और साथ ही अंदर तक डर भी गई थी, क्योंकि भारत अब शक्ति के मामले में उनके बराबर खड़ा हो गया था। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों आखिर भारत को परमाणु शक्ति की क्या जरूरत पड़ गई थी, वो क्या वजह रही जिसके कारण भारत ने इतने गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। इस वीडियो में मैं आपको परमाणु बम की इस पूरी कहानी से रूबरू करवाऊंगा, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों 11 मई 1998 से लेकर आज इस बात को लेकर 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन भारत के द्वारा रचा ये इतिहास किसी देश की शक्ति के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हम सब जानते हैं। आज इसी ताकत की वजह से हमारे दुश्मन देश हमला करने से पहले एक बार जरूर सोच लेते हैं। साल 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके 24 साल बाद भारत एक बार फिर दुनिया को बता चुका था कि शक्ति के बिना शांति संभव नहीं है। यहां आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण का कोड बुद्ध मुस्कुराए रखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शक्ति का नाम दिया। लेकिन ऑपरेशन शक्ति भारत के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1995 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को अपना दूसरा परीक्षण टालना पड़ा था। पहले परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत पर निगरानी बढ़ा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु संपन्न हो। शक्तिशाली देशों की यही सोच थी कि भारत उनके दबाव में रहे, ना कि शक्ति के मामले में उनके बराबर खड़ा हो। ये शक्तिशाली देश मानव हित की दुहाई देकर प्रतिबंधों की झड़ी लगा देते थे और खुद परमाणु शक्ति से संपन्न थे। लेकिन ऑपरेशन शक्ति के लिए काम कर रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। भारत ने CIA और उससे सैटेलाइटों को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण किया था। ऑपरेशन के लिए काम कर रहे वैज्ञानिक भी सैनिकों के वेश में काम करते थे। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक आपस में कोड लैंग्वेज में ही बात करते थे, उनके नाम भी कोड में रखे गए थे और ये इतने प्रचलित हो गए थे कि ये कुछ वैज्ञानिक तो एक दूसरे के वास्तविक नाम ही भूल गए थे। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे, उनमें परमाणु बम रखे गए। वही परीक्षण के दौरान जब बम धमाके से आसमान में धुएं का गुबार उठा तो यहाँ और बड़ा गड्ढा बन गया जो आज भी यहाँ मौजूद है। पोखरण रेंज में 5 परमाणु बम के परीक्षण से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस वजह से कई देशों ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए। इसराइल को छोड़कर दुनिया के सारे देश भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आ गई। उस पर आर्थिक सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग कर दिया गया। भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी जिसका काफी लंबे समय तक सामना करना पड़ा, लेकिन भारत धीरे धीरे इन प्रतिबंधों से उबर गया और आज भारत परमाणु हथियारों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह अपनी ऊर्जा जरूरतों की तरफ ध्यान कर रहा है। भारत को परमाणु शक्ति की क्या जरूरत थी, इसके बारे में बड़ी कुशलता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने एक पुराने भाषण में बताया है। अजीत डोभाल का कहना था कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था, इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था या जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया विजय हुआ और राणा सांगा हार गया। अगर राणा सांगा शक्तिशाली होते तो शायद आज उनका नाम यहां होता। ये इतिहास ही बताता है कि जो शक्तिशाली है वही इतिहास रचता है, जो कमजोर है भले ही वो सत्य की ओर हो अगर हार जाए तो वो इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है।
पोखरण में किए गए इस परमाणु परीक्षण को लेकर तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा था कि पोखरण 2 कोई आत्मशलाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं कि ये देश की नीति है कि न्यूनतम अवरोध होना चाहिए, वो विश्वसनीय भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। दोस्तों, इतिहास ने हमेशा यही बताया कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपका वजूद कब खत्म हो जाएगा आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, भले ही आप सत्य और न्याय संगत ही क्यों ना हो। आज भारत में जो हालात है वो इतिहास द्वारा दी गई सजा ही है। इतिहास ने हमेशा उन्हें सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन जब हितों का टकराव होता है तो शक्तिशाली बनना ज्यादा जरूरी होता है। यही बात भारत पर लागू होती है। यहाँ सालों पहले बाहरी लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ लंबे समय तक राज किया, और उन्होंने इस तरह से राज किया कि जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज करो, हम तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुलाम वंश बन गया। यहाँ भारत की वो कमजोरी सामने आती है जिसकी वजह से वो टूट गया था, खुद हमारे ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यही वजह है कि भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से सिकुड़ती आज यहाँ तक आ गई। भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट किया, लेकिन हम न्याय संगत थे और सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन हमारे साथ शक्ति नहीं थी, इसलिए इतिहास ने उसकी हमें सजा दी। जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम देखें तो शायद एक और हजार का अनुपात नहीं हो गया, लेकिन इसके बाद भी हम जीत नहीं पाए, जिसका सबसे बड़ा कारण था हमारा साथ होना, एकजुट होना। आज भी कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, लोग बाहर से आकर हमारी सीमा लांघ रहे हैं, घुसपैठिए यहाँ आराम से घुस जाते हैं और इस पर कब्जा करने की सोचते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत में आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। हम हर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी भी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए, लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका काम यहाँ बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण करने के बराबर है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरनर्स एक्ट के अंदर ले आती है, क्योंकि जो IMDT एक्ट था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेकार कर दिया था। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा, अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही ना रहे हों, फिर वो चाहे बंगाल नेटिव आर्मी थी। 1857 में सिखों और गोरखाओं ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी यहाँ लोगों ने उनका साथ दिया, हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब वेस्ट से आक्रमण हुआ फिर वो चाहे हूर थे या मंगोल, वो थोड़े से ही लोग थे लेकिन हमारे फोर्ट ने हमें हरा दिया। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने ही, हमने कभी भी एक दूसरे का साथ ही नहीं दिया। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते तो शायद आज भारत की दूसरी तस्वीर हमारे सामने होती, अंग्रेज कभी हम पर हमला नहीं कर पाते, न ही वो हम पर राज कर पाते। ये इतिहास ही है जो हमें सिखाता है कि शक्ति क्या है। आज भारत के पास शक्ति है तो किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो उस पर आंख उठाकर देख सके, लेकिन हमें आपसी एकता की शक्ति पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम क्या होगा ये इतिहास बता चुका है।